मैम एक्चुअली अपना मेरे को आ रहे है हाँ बोलिए लास्ट बोलिए। लास्ट ईयर एक्चुअली मेरे को मेरी डिलीवरी हुई थी जनवरी में। उसके बाद मुझे मतलब पेन वेन शुरू हो गया था, तो मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे आ रहे निकला। ओके तो मुझे बहुत ज्यादा पेन था, मतलब मैं उठ बैठ भी नहीं सक रही थी, कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मैं नहाने वहाने में, कपड़े पहनने में मुझे बहुत ज्यादा, मतलब योगा वगैरह भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या हो गया एकदम से। मैं इतना हाँ मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, रोती रहती थी मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे। सेम। और डॉक्टरों ने सबसे, मतलब मैंने गूगल में सर्च किया इस बीमारी के बारे में, तो सब जगह यही बोला कि ये क्योर नहीं हो सकती है, एग्जैक्टली मतलब ठीक हो ही 3 साल नहीं से सकती। आपको था और नहीं नहीं मैम, लास्ट ईयर ही हुआ है मुझे, अच्छा जनवरी लास्ट ईयर ही लास्ट। मतलब ओके ओके तो प्रेगनेंसी के बाद डिटेक्ट हुआ राइट। जी मैम। हाँ तो तो मैम उसके जैसे बाद फिर मैंने हॉर्मोनल आयुर्वेदा में, फ्लक्चुएशंस के बाद होता है तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, सैड नहीं होना है, इसलिए तो मैं ये जी वीडियोस मैम, क्रिएट करती हूँ क्योंकि आपको पता होगा स्ट्रेस मैं सैडनेस और बताना बढ़ता है। चाहती हूँ जी, आपकी वीडियो देख के तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे नया जीवन मिल गया। ओ थैंक यू मैं सो मच इतना डियर। बता नहीं सकती, मैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए भी मैंने कितना कोशिश करा है कि कहीं से आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए। मैं काफी टाइम से सोच रही थी अगर मतलब आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो किसी से मुंबई में, मतलब जैसे पता लगवाऊंगी आप कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे आपसे कांटेक्ट हो पाए। मतलब ओ मैम मैंने सो फिर स्वीट। आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट लिया। मैं हरिद्वार गई तो वहाँ ओके पे बस्ती वगैरह ट्रीटमेंट होता था, ऑयलिंग मसाज वगैरह, तो मतलब तो वहाँ पे थोड़ा मेरे को मतलब फायदा हुआ वहाँ पे जाके। वहां से मैं आई, फिर मैंने योगा पर्सनली मतलब हायर किए योगा के सर, ओ गुड गुड। तो मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला। बट फिर थोड़े टाइम बाद ना मेरे को मैं एलोपैथिक भी चल रही थी मेरी साथ साथ और आयुर्वेदिक भी, मेरा फिर से पेन शुरू हो गया, बहुत ज्यादा पेन। मतलब अच्छा अभी मुझे फिर से अभी आयुर्वेदिक से आपको जी, पेन अब अभी मैडम मेरे को बिल्कुल लाइट पेन है, बिल्कुल हल्का पेन। तो है। मैंने ये ओके सात्विक, आपका जब चैनल देखा तो मैंने सात्विक मूवमेंट का भी देखा, तो मैंने हर चीज डिटॉक्स एनीमिया बेड पैक अभी शुरू कर दिया 4-5 डेज से। मैं डाइट तो काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, उससे मुझे काफी 3-4 महीने हो गए, काफी बेनिफिट मिला। बट मैडम ये हो जाता है कई बार ना, जैसे बाहर जाते हैं तो कुछ भी ऐसा खा लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है मतलब वो जो मैं सोच रही 3-4 महीने पूरी चीज फॉलो करूं वो कई बार छूट जाती है। बट अब मैंने 3-4 दिन से पूरा अच्छे से सोच लिया है कि कुछ भी मुझे अपने सामने कुछ भी आ जाए वो खाना ही नहीं है चीज, पूरा ओ डाइट फॉलो करना है हर चीज, जैसे ऑसम। मॉर्निंग में एक्सरसाइज, ओ शी इज योर मॉर्निंग में प्रिटी डॉटर। एक्सरसाइज। एक्चुअली मैंने ना योगा सेंटर ज्वाइन किया हुआ है मैम, तो जैसे मैं 1 घंटा वहां पे योगा करती हूँ, उसके बाद मैं सन सन में भी जाके थोड़ी बहुत योगा करती हूँ, और अपनी बेटी को स्विमिंग लेके जाती हूँ, तो वहां पे भी काफी अच्छा मतलब वेदर होता है, तो वहां पे भी सन बाथ में मैं बैठी रहती हूँ। मतलब उसके बाद आके मैं मतलब वेट पैक वगैरह नहाना वगैरह, आपने हॉट ऑन कोल्ड शावर भी बताया था वो भी ले रही हूँ हाँ मैं 2-3 दिन से, और आपको सात्विक कैसा डाइट लग मैं रहा है पूरी उससे? फॉलो कर रही हूँ मैम। बट मुझे मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे अब मैं मॉर्निंग में, हेलो, जैसे मैं मॉर्निंग में डिटॉक्स जूस लेती हूँ ये फैस कार्ड का, उसके बाद मैं 11 o'clock जो है फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स होता है जो सीजनली फ्रूट वो लेती हूँ, उसके बाद मैं 1 meal लेती हूँ जो भी ब्राउन राइस कोई सारी वेजिटेबल के साथ। मैं मैडम बर्तन भी मैं स्टील एल्यूमिनियम के कोई नहीं, मिट्टी वाले बर्तन यूज करती हूँ, जो सात्विक वेरी मूवमेंट में गुड। मैम बताती है ना बिल्कुल उसको फॉलो किया हुआ है। ओ फिर वाह इवनिंग में मैं कुछ भी स्नैक्स में मतलब जैसे नारियल वगैरह ले लेती हूँ, ग्री वगैरह, और इवनिंग में फिर नाइट में मैं 7 o'clock 8 o'clock जूस लेती हूँ, चुकंदर ओके गाजर एप्पल का ABC जूस लेती हूँ। तो ऑसम मेरे को ऑसम। एक चीज ही पूछनी थी कि मतलब जैसे मीठे में मैम डेट्स वगैरह मैं ले सकती हूँ, डेट्स और हाँ जेगरी ले ले सकते सकते हो हैं। ना, पर वो सब आपको मॉडरेशन में लेना है क्योंकि मीठा भी होता है ना, कोई भी मीठा चीज ना बैड बैक्टीरिया अट्रैक्ट करता है, तो मीठा चीज हमेशा मॉडरेशन में लेना चाहिए, सैलड के साथ लेना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार लेंगे अच्छा तो कुछ नहीं होता है। अच्छा मतलब तो हफ्ते में 1-2 बार मतलब डेट्स वगैरह हाँ ले हाँ सकते हैं, मतलब अभी पेन डेली है नहीं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप ले सकते हो, मतलब जब आप, क्योंकि उसमें भी एक्सरसाइज कैलोरीज तो होती जैसे हैं। मॉर्निंग में करते, हाँ बट तो मैम आप मेरा वेट ना लीजिए। बहुत ज्यादा लूज हो गया, मेरा मतलब 70 kg वेट था, मेरा 41 वेट हो गया है, ओ मतलब आपने बहुत ज्यादा तो मोर मेरा। ऑलमोस्ट 20 kg लूज किया है।
20 मैम, 30, 30 केजी। 30 केजी सब लूज मुझे किया मैडम है। टोकते हैं कि बहुत वीक हो गए हो, बहुत वीक हो गए। तो मुझे कई बार ये डीमोटिव हो जाती हूँ कि मैं यार, अपने आप को भी लगता है, फिर मैं सोचती कोई बात नहीं, वेट तो कम हो जाए, सात्विक कोई दिक्कत मोमेंट में नहीं। एक्टिव डाइट प्लान, अभी नया वीडियो भी उनका रिलीज हुआ है वेट गेन प्लान पे, तो आप वो वीडियो देख के उस पे भी एक्ट कर सकते हो, तो उनका मैम वेट उसमें जो गेन। मीठा वगैरह भी, हाँ तो उसमें मीठा मतलब बोला, तो आपको वेट गेन है तो आपके लिए अलग डाइट है, तो ये मुझे नहीं पता था ना, अगर वेट गेन कर रहे हो तो आपको एक्टिव रहना है फिर मीठा खाना है, तो अगर तो दो नहीं स्टेजेस मैम, होते वेट हैं गेन नहीं हमेशा। कर रही हूँ अभी नहीं अच्छा कर रही अभी हूँ नहीं वेट कर रहे, गेन, तो आप बट मैं हीलिंग में चाहती हूँ, फोकस मैं हीलिंग कीजिए। के साथ वेट गेन करना सही रहेगा या नहीं? मेरे मेंटर तो कहते हैं हीलिंग और वेट गेन दोनों साथ में तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले आप मुश्किल एक है में ही ना। फोकस कीजिए हीलिंग हाँ पे, मैम, मैं वही और सोच रही हूँ, साथ मैं में 3 मंथ का पूरा हीलिंग में अच्छे से ध्यान दूंगी बस। हाँ और मैम ये यस यस पूछना था, फ्रूट वन टाइम ले सकते हैं या मतलब इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों टाइम ले सकते हैं? टाइम जैसे ही मॉर्निंग में लेंगे तो फ्रूट ले बेहतर सकते होगा, हैं। फ्रूट मॉर्निंग में ही ले तो बेहतर होता है, और इवनिंग में अच्छा, सूप्स या सैलड से ही आप एंड कीजिए। स्प्राउट्स वगैरह में मतलब मेथी दाना के स्प्राउट्स ले सकते हैं, हाँ मेथी दाने के वगैरह ले सकते हैं। और और आपने दाल आपने वगैरह। मेरा वो वेबसाइट चेक किया सात्विकोड.com? आप वो वेबसाइट पे जाइए सात्विकोड.com, उसमें मेरा फ्री कोर्सेज है, तो उसमें मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो वो भी मैं देख देखिए। मैम आपका गागा का वीडियो देखा ना, जब से मैं डायरी में डेली 4-5 डेज हो गए, डेली अपना रूटीन जो भी है गागा का सारा लिखती हूँ, वाह डेली वाह और अचीवमेंट होता है कांग्रेचुलेशंस। तो रात को बहुत खुशी होती है, मतलब पूरा लिखती हूँ अच्छे से। ओ वाह, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं ठीक हो सकती हूँ बस। ओ अभी तो आपसे मैम लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आप जो शेयर कर रहे हो। एवरीवन टाइप इन द कमेंट बॉक्स इंस्पायर्ड, इफ यू ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कविता जी। अब जब आप भी बल्कि जो शेयर भी कर रहे हो मुझे आप, मिलता है ना, उसको भी बोलती हूँ नहीं सात्विक मूवमेंट से जुड़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओ आपकी यस सात्विक डाइट से मतलब बहुत ज्यादा फर्क मिला है मुझे। आयुर्वेदा मैंने पूरा बंद कर दिया, बस मेरी एलोपैथी की भी अब 2-3 डोज मतलब मेडिसिन चल रही है, एक मेन मेडिसिन है और कैल्शियम आयरन है। मेरा कैल्शियम ऑसम, आयरन भी मैम 7 हो गया था, अब मेरा 10 पॉइंट समथिंग है। ओ ऑसम ऑसम, तो आप वही कंटिन्यू कीजिए, आप हीलिंग जर्नी में है तो आप हीलिंग वाला साइकिल ही कंटिन्यू रखिए। तो आपका एलोपैथी मेडिसिन अभी कौन सा चल रहा है? मैम मेरी 2 मेडिसिन चल रही है, मुझे भी नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा अच्छा है। तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो आपका हीलिंग भी चल रहा है, आप डाइट भी ले रहे हो साथ में, और साथ में एलोपैथी भी ले रहे हो राइट? तो सात्विक जी डाइट मैम, जैसे आपका हीलिंग पे एक्ट करते रहेगा, वैसे आपके एलोपैथी मेडिसिन ग्रेजुअली कम होते जाएंगे, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आते जाएगी, हीलिंग इंक्रीज होते जाएगा, आपका एनर्जी लेवल मैडम प्राणा ये शक्ति नेगेटिव हो बढ़ते जाता जाएगी। है। देखो आपके रिजल्ट पे हमें कभी फोकस नहीं रहना चाहिए, जैसे मैंने बोला नहीं कोई कर्म और मैम, मैं फल की सोच रही चिंता हूँ, बट मत मैं करो, जस्ट तो उससे आपसे डिप्रेशन पूछ रही वगैरह हूँ कि आएगा, डिप्रेशन सैडनेस वो सब आएगा, तो आप ग्रैटिट्यूड में ही रहो, गागा के मूड में ही रहो, ग्रेटफुली रहो कि आप अभी जो मैम भी कभी फील कभी तो कर बाय रहे वो कभी किससे कभी तो आ आप। जाता है मैडम गुस्सा, पर ये है कितना भी कंट्रोल कर दो ना, कई बार ही मतलब 5 या 10 मिनट्स के लिए कभी कभी कोई मतलब चीज हो जाती है। जैसे तो बच्चे हैं मेरे 2 छोटे, बच्चे भी कोई बहुत बात नहीं, हम परेशान हो जाते हैं। सबके साथ होता है वो, हम सब एक ही जैसे हैं, तो इसीलिए तो हमें बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मैं ये लाइव सेशंस कर रही हूँ, कि कभी जी हम मैम ऑफ जी, ट्रैक हो गए तो हम ऐसे लाइव सेशंस अटेंड करके फिर से इंस्पायर्ड होंगे। ओके और कितने सारे लोग आपसे हाँ इंस्पायर्ड है देखिए कमेंट्स मैम में। आपकी वजह से ही मोटिवेशन मिलता है, मैं बता नहीं सकती। जब मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा ना कि मतलब आप इस आरएस से ठीक हुए, तब मुझे लगा कि नहीं ये रिवर्स हो सकता है, इसको ठीक हो कर सकते हैं। ओ थैंक यू सो मच डियर, सो एवरीवन अनम्यूट देम सेल्फ एंड टेल कांग्रेचुलेशन कविता जी फॉर बीइंग अ सात्विक कोडर, से कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। कविता वाओ सब लोग जी, से थैंक कांग्रेचुलेशंस, सो थैंक यू सो मच कविता जी। मैम। मुझे कविता जी से एक क्वेश्चन पूछना था कि ओके उनका कौन है वो, आर आई विल ब्रिंग यू ऑन हॉट सीट, आई मैम विल ब्रिंग, स्मिता, स्मिता सिंह ओके स्मिता जी से बोलिए। आई विल पिन यू। जब उनका आरए डिटेक्ट हुआ था तो आरए कितना था? अच्छा मेरा आर 110 था, 110 था, अब मेरा 49 है। अच्छा, तो क्योंकि हाँ मैं जस्ट अभी भी आरए मुझे हुआ है, मेरा अभी बिल्कुल बिगनिंग है, 18 है मेरा आरए, 18 है, ओके तो उसको
मतलब मैं पूछना था, जो सात्विक लाइफस्टाइल में बिल्कुल ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिकॉज मैंने वन नहीं वन वीक फॉलो किया था, बिल्कुल एकदम ऐसे पूरा मुंह वैसे हो गया, लग रहा है मे कि वेट बिल्कुल लॉस हो रहा है। मेरा देखो ना, अब मेरा 70 से 40 kg हो गया है, 41 kg मेरा वेट है। सब मुझे बोलते हैं, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये है कि मुझे ठीक होना है। वेट तो तो गेन हो जाएगा, बट ये बीमारी क्योर हो जाए पहले। हाँ सीमा मैम मीन्स वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली 3 months एटलीस्ट। यस, एंड इवेंचुअली यू नो यू विल बी इंस्पायर्ड टू फॉलो इट फॉर लाइफ टाइम। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे सात्विक मूवमेंट में ये नारियल की घी को बताते हैं जैसे ऑयल का काम करती है, तो जब आपने बताया था कि हीलिंग टाइम में इसको नहीं लेना, तो मैंने इसको भी बंद कर दिया है। ओ आपकी वीडियो में देखा था मैंने हाँ, तो तो वो डाइजेशन, डिपेंड होता है इंडिविजुअल चॉइस पे तो और मैम इंडिविजुअल गिन करंट सिचुएशन पे। आप तो देखो, मैं तो हीलिंग मेनली अभी फोकस करती हूँ नो एक्टिव रहना। आपको, आप सबको ही एक्टिव रहना है। बेसिकली आपको सात्विक कोड की नॉलेज होनी चाहिए और आपको आपका इंट्यूशन फॉलो करना है। एक बार आपने सब दिमाग में भर लिया, आपको खुद ही यूनिवर्स गाइड करेगा आप क्या सही है क्या नहीं है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, हमेशा स्माइल रखना है फेस में। स्मिता जी, यू ऑल, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू स्माइल, और स्माइल करके हमें ये यस जर्नी सबको साथ में एंजॉय करनी है।